विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर। सुंदरपुर नाम के गांव में जूली नाम की एक लड़की रहती थी। जूली के माता पिता नहीं थे। वो अपना गुजारा करने के लिए एक मुर्गी फार्म में काम किया करती थी। उसी से उसका गुजारा चलता था। फिर एक दिन मुर्गी फार्म का मालिक सुरेश जूली से कहता है, अरे जूली, इस मुर्गी को क्या हुआ है? तुम इस मुर्गी को चिकन की दुकान पर दे आओ। इसे लगता है कोई बीमारी हुई है। ये दूसरी मुर्गियों को भी बीमारी फैला देगी। लेकिन अंकल, वो तो इस मुर्गी को काट कर बेच देगा। हाँ हाँ, सही तो है। अब इस मुर्गी का यहाँ कोई काम नहीं है। वैसे भी ये मुर्गी अब दूसरी मुर्गियों को अपनी बीमारी फैलाएगी। तो अंकल, आप ये मुर्गी मुझे दे दीजिए। लेकिन बेटा, तुम इस बीमार मुर्गी का क्या करोगी? अंकल, बस आप मुझे ये मुर्गी दे दीजिए। प्लीज अंकल, आप मुझे मुर्गी दे दीजिए। जूली के जिद करने पर सुरेश उसे वो मुर्गी दे देता है। तब जूली वो मुर्गी लेकर अपने घर पर आ जाती है। अरे नहीं, इस मुर्गी की तबीयत तो बहुत खराब है। इसकी इलाज करवाने के लिए मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं सेठ अंकल के पास जाकर थोड़े बहुत पैसे मांग लेती हूँ, जिससे मैं अपनी मुर्गी का अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवा सकती हूँ। इतना बोलकर जूली सेठ करोड़ी मल के पास जाती है और करोड़ी मल से पैसे के लिए कहती है, क्यों ना मैं इसका मकान अपने नाम करवा लूँ? वैसे भी इसका कोई नहीं है, ये अकेले ही रहती है। ए लड़की, मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा, लेकिन बदले में तुझे अपने मकान के कागजात मुझे देने होंगे। बेचारी जूली को कुछ पता ही नहीं था। वो अपने भोलेपन में आकर अपने घर का कागज दे देती है और पैसे लेकर अपने मुर्गी का इलाज करवाने लगती है। कुछ दिनों में जूली की मुर्गी बिल्कुल ठीक हो जाती है। मेरी प्यारी मुर्गी, अब तुम ठीक हो गई हो। मैं तो अकेली रहती थी, लेकिन आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। जूली अपने मुर्गी से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर सेठ करोड़ी मल आता है। ए लड़की, चल निकल, अब ये घर मेरा हो गया है। मैं अकेली हूँ अंकल, आप मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। मैं कुछ दिनों में आपके पैसे दे दूंगी अंकल। प्लीज अंकल, मैं कहाँ पर जाऊंगी? करोड़ी मल जूली की एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। अब मैं कहाँ पर जाऊंगी? मेरे पास तो घर भी नहीं है। जूली जहाँ भी मदद मांगने के लिए जाती है, गांव वाले उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। जूली रोती हुई जंगल में चली जाती है और अपने मुर्गी से कहती है, अब मैं कहाँ पर जाऊँ? मेरी प्यारी मुर्गी, अब तुम ही मुझे बताओ। तभी जूली की मुर्गी घने जंगल की तरफ भागने लगती है। अरे मुर्गी, तुम कहाँ जा रही हो? उधर मत जाओ मुर्गी, तुम खो जाओगी। उधर बहुत बड़ा घना जंगल है। जूली की मुर्गी भागते हुए जंगल में बनी गुफा के अंदर चली जाती है। अरे मुर्गी, तुम मुझे कहाँ पर ला दी? ये तो एक बहुत बड़ा गुफा है। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। आज से हम लोग यहीं पर रहेंगे। उस दिन से जूली गुफा में ही रहने लगती है। फिर एक दिन उस गुफा में एक साधु बाबा आते हैं और जूली से कहते हैं, अरे बेटी, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। मैं और मेरी मुर्गी यहीं पर रहते हैं। फिर जूली साधु बाबा को पूरी बात बताती है। ये लो बेटी, ये अब तुम्हारी मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं रही। अब ये एक जादुई मुर्गी हो गई है। लेकिन बाबा, मैं इस जादुई सोने की मुर्गी का क्या करूंगी? बेटी, तुम इस मुर्गी को लेकर अपने गांव जाओ। इस मुर्गी से तुम जो भी बोलोगी, ये मुर्गी वही करेगी। अच्छा ठीक है बाबा, मैं इस जादुई सोने की मुर्गी को अपने गांव लेकर जाती हूँ। इतना बोलकर जूली जादुई सोने की मुर्गी को लेकर अपने गांव में आ जाती है। हे जादुई सोने की मुर्गी, तुम मुझे रहने के लिए एक सुंदर सा घर दे दो। जूली के इतना कहते ही वो जादुई सोने की मुर्गी एक जादुई विशाल सोने की मुर्गी घर में बदल जाती है। अरे वाह, ये कितना सुंदर जादुई विशाल सोने का मुर्गी घर है। फिर जूली जादुई विशाल सोने के मुर्गी घर के अंदर जाती है तो जूली हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें थी। हे भगवान, ये कितना सुंदर घर है।
फिर धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल जाती है। जैसे ही ये बात सेठ करोड़ी मल के कानों में पहुंचती है, वो तुरंत जूली के घर पर आता है और जूली से कहता है, अरे बेटी, तुम्हारे पास इतना बड़ा सोने का घर कहाँ से आया? तुम्हें तो पता होगा बेटी, इस गांव में कितने चोर हैं। अगर तुम्हें कोई मारकर तुम्हारे घर को ले लेगा तो तुम क्या करोगी? नहीं नहीं अंकल, आप चिंता मत करिए, ये कोई मामूली घर नहीं है, ये एक जादुई विशाल सोने का मुर्गी घर है। ये मेरी मुसीबत में हमेशा मदद करेगा। अरे इस लड़की को मैं कितना डरा रहा हूँ, लेकिन ये तो बहुत ही चालाक है। मैं इसे इतना डरा रहा हूँ, फिर भी ये जरा भी नहीं डर रही है। फिर सेठ करोड़ी मल वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद जूली जादुई विशाल सोने के मुर्गी घर से कहती है, हे जादुई सोने की मुर्गी घर, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। जूली के इतना कहते ही उसके सामने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान आ जाते हैं। अरे वाह, ये कितना स्वादिष्ट खाना था, इससे पहले मैंने इतना स्वादिष्ट खाना अपने पूरे जीवन में भी नहीं खाया है। अब मैं खाना तो खा ली, अब मुझे सो जाना चाहिए। इतना बोलकर जूली सो जाती है। आधी रात को जूली की नींद खुलती है। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ हिल रहा है? तभी जूली का जादुई विशाल सोने का मुर्गी घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे नहीं, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? फिर जूली जादुई मुर्गी घर से बाहर आ जाती है। जूली जैसे ही बाहर आकर देखती है तो उसके जादुई विशाल मुर्गी घर को कोई लेकर जा रहा होता है। तब जूली कहती है, अरे नहीं, तुम ये मेरे मुर्गी घर को कहाँ लेकर जा रहे हो? हटो यहाँ से, मेरे मुर्गी घर को छोड़ दो। लेकिन वो लोग जूली की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और उसके घर को लेकर जाने लगते हैं। हे विशाल जादुई घर, इन लोगों को अच्छा सबक सिखाओ। तभी जादुई सोने की मुर्गी घर अपनी जादुई शक्तियों से उन लोगों को वहाँ से दूर भगा देती है। ये सब देखकर जूली बहुत ही खुश होती है। फिर एक दिन जूली सेठ करोड़ी मल के पास जाती है और उससे कहती है, अंकल आप मेरे जमीन के कागज मुझे वापस कर दीजिए और ये लीजिए अपने पैसे। अच्छा तो तू पैसे लेकर आई है, जा, नहीं देता मैं तेरे कागजात, क्या कर लेगी तू? वैसे भी कागजात मेरे नाम ही है। अच्छा हाँ, मैं तुझे एक शर्त पे तेरे घर के कागजात दे सकता हूँ, वो जादुई सोने का घर मुझे दे दे, तब मैं तेरे कागजात दे दूंगा। क्या, जादुई सोने का मुर्गी घर? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे मजा तो चखाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है अंकल, आप वो मुझसे जादुई सोने का मुर्गी घर ले सकते हैं, मैं आपको वो जादुई सोने की मुर्गी घर देने के लिए तैयार हूँ। फिर जूली अपना जादुई विशाल सोने का मुर्गी घर सेठ करोड़ी मल को दे देती है और अपने जमीन के कागजात ले लेती है। अरे वाह, ये जादुई सोने का मुर्गी घर तो मेरा हो गया, वाह वाह, अब इस घर में मैं रहूंगा, कितना अच्छा ये घर है। हे विशाल जादुई सोने की मुर्गी घर, तुम उस लालची करोड़ी मल को सबक सिखाओ। जूली के इतना कहते ही वो जादुई विशाल सोने का मुर्गी घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे अरे मैं मर गया, अरे 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 सीधा करो इसे कोई, ये हिल क्यों रहा है? अरे मेरी कमर टूट गई रे, मर गया रे। जादुई सोने का मुर्गी घर, करोड़ी मल को कोई अच्छा सा सबक सिखाओ। इस छोटे से वार से करोड़ी मल डरने वाला नहीं है। फिर जादुई विशाल सोने का मुर्गी घर जोर जोर से कूदने लगता है। मर गया रे, अरे मेरा सिर हिल रहा है, अरे मेरा सर फूट गया रे, कोई रोको इस मुर्गी घर को, अरे मेरा सर फूट गया रे, अरे अरे रोको। क्या हुआ सेठ करोड़ी मल अंकल, आप ही तो बोल रहे थे मुर्गी घर में रहना है, तो आप रहिए इस घर में, ये तो मुर्गी घर है, ये तो ऐसे ही उछलता कूदता रहता है। अरे मुझे नहीं रहना इस जादुई मुर्गी घर में, अरे मुझे यहाँ से निकालो रे, मुझे निकालो यहाँ से। रुको मुर्गी घर, लगता है इसकी अकल ठिकाने आ गई है। अरे आगे से मुर्गी घर तो क्या, कोई भी घर मैं अपने नाम नहीं कराऊंगा। फिर उस दिन से जूली जादुई विशाल सोने के मुर्गी के घर में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।
इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और ऐसे ही नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।